गांव का चौक रंग बिरंगी रंगोली से सज गया था। उत्साहित ग्रामीण नवरात्र की तैयारी में व्यस्त थे। वहीं देवी शैलपुत्री की मूर्ति के लिए फूलों की खूबसूरत सजावट की जा रही थी, जिसमें जीवंत गेंदा और चमेली शामिल थी। एक युवा लड़की लाल लहंगे में अपने बाल बांधते हुए दादी की पारिवारिक तस्वीर को देख रही थी। रात का शांत दृश्य था। लालटेनें गांव को रोशन कर रही थी और गर्म प्रकाश में भीड़ एकत्रित हो रही थी। देवी की भव्य मूर्ति गहनों से सजी झिलमिलाती मोमबत्तियों के बीच मैजेस्टिकली खड़ी थी। जैसे ही ग्रामीणों का एक समूह गरबा नृत्य करने लगा, उनके रंग बिरंगे कपड़े चारों ओर घूमने लगे। लड़की घास पर पारंपरिक नृत्य के कदम उठा रही थी। उसने देवी को भेंट देने के लिए मिठाई और फलों की एक थाली सजाई, जो धूप में चमक रही थी। चारपाई पर बैठी दादी परिवार के सदस्यों के चारों ओर पिछले नवरात्र की यादें साझा कर रही थी। पहाड़ियों और पेड़ों का जीवंत बैकड्रॉप उत्सव के माहौल को और बढ़ा रहा था। ग्रामीण बड़े पंडाल की स्थापना कर रहे थे, जिसे रोशनी और रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया गया था। लड़की शीशे के सामने अपने नृत्य का अभ्यास कर रही थी। उसके चेहरे पर दृढ़ता और प्रेम का एहसास था। बच्चे हंसते क्लिपते त्योहार के कपड़ों में खेलते हुए दौड़ रहे थे। फिर एक क्षण आया जब भीड़ ने लड़की का एकल नृत्य देखा। उसकी भावनाएं स्पष्ट थीं और तालियों की गड़गड़ाहट ने उसे अभिभूत कर दिया। उसने खुशी के आंसू पोंछे, जबकि देवी का शांत चेहरा फूलों और भेंटों से घिरा हुआ दिव्यता का संचार कर रहा था। एक परिवार ने मूर्ति के चारों ओर हाथ पकड़े आंखें बंद करके प्रार्थना की। रात का आसमान सितारों से भरा हुआ था, जबकि नीचे गांव की उत्सव की गर्म रोशनी चकाचौंध कर रही थी। एक बुजुर्ग ग्रामीण नवरात्रि की प्रत्येक रात के महत्व को समझा रहा था उत्सुक श्रोताओं के बीच। अंततः अंतिम रात का उत्सव आया, जब आतिशबाजी ने आसमान को रोशन कर दिया। यह विजय और खुशी का प्रतीक था और गांव ने नवरात्रि का जश्न मनाते हुए एक और साल को विदाई दी।